uncertainty looms large over the completion of Mahur Bridge. Sufferings of Mahur people is being increased beyond tolerance day by day as the construction of the bridge over Deyung remained uncertain for the reasons best known to the contractor and the PWD department. The bridge in question is the most important for the people since more 70% populace to use the bridge for marketing, health services, schooling, etc. Though the people of Mahur have been running pillar to post for the completion of the bridge, but the concerned department and contractors playing a hide-and-seek game, the lives of huge population delaying the completion of the said bridge, people of Mahur alleged. Earlier also, the people of Mahur requested the concerned authority to pay attention before the monsoon, otherwise the bridge would get damaged, but was in vain, as a result of which the ongoing construction was washed away. Now people are of the opinion that the bridge should be constructed immediately so that the people of Mahur would not suffer for further, otherwise the people would lose the confidence on department as well as administration. ये ब्रिज का तबलीग क्या, तो क्या आपको अक्टूबर नवंबर का 2 तारीख ना 10 तारीख से ये ब्रिज भंगाया है, नवंबर से ये 3 महीना का बात रहा रहा, 3 महीना में लोगों ने बनाई देगा बोला, लेकिन उसके बाद में ये काम शुरू हुआ, शुरू होने के बाद में काम इतना ढीला ढाल से हो रहा था। देखिए, हम ऐसे पब्लिक कुछ कुछ बताता है, जो इंजीनियर लोगों ने इसका सुपरवाइज कर रहा था वो लोगों ने तो बाहर से आया है, इस नदी का हरे में कुछ मालूम भी नहीं, वो लोगों का हम यहाँ का होते हुए हम कुछ कुछ बताया जाए, ये करो ये करो, इसका कितना नीचे जाना है, क्या करना है, वो थोड़ा बताया था लोगों को, लेकिन फिर भी काम में थोड़ा क्लेरिफाई नहीं हुआ, इतना यो काम नहीं हुआ। फिर भी हम तो ये बताएगा डिपार्टमेंट सोचना चाहिए इसका काम जैसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक अभी देखिए इसका साथ में यहाँ मेडिकल का साथ में कनेक्टिविटी है, ये इलाका का कोई भी आदमी मेडिकल जाने नहीं सकता है, वो जाने के लिए 5 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। वहाँ मेरे स्कूल भी है, स्कूल तो है ही है यहाँ, यूनिटी स्कूल है, और उधर से आने वाला इधर में बहुत सारा स्कूल है, 4-5 स्कूल है इधर, उधर से आने वाला तो इसीलिए स्कूल का कनेक्टिविटी खराब हो गया, मेडिकल कनेक्टिविटी खराब हो गया, सबसे बड़ा आदमी का दैनिक नेसेसिटी तो मार्केट, आदमी का जो मार्केट से सामान लेगा वो मार्केट जाने के लिए तो रास्ता बंद हो गया आदमी, लेकिन ये बारिश के टाइम में, ये तो अभी ब्रिज हुआ 1-1.5 महीना हुआ, उसका पहले तो आदमी को नदी से कोई कोई टाइम में तो वो रिक्स, आदमी का जिंदगी रिक्स हो गया था जाने के लिए, तो यही बात है। तो हमारा यो है कितना रुपये का यो है, हमारा तो आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है, ठीक है, हमारा दूसरा कोई बताया तो वो कुछ मालूम होने से तो अच्छा ही बात है, हम बताना है जो भी काम होगा अच्छा होना चाहिए, एस पर शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल छोड़ के बिना शेड्यूल का काम नहीं होना चाहिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है ऊपर वाला के पास में, तो अच्छा काम होना चाहिए, ये लोकेलिटी का आदमी का जैसे कोई बेनिफिट होता है। Talking to media, prominent citizen of Mahur Babul Kemprai said that they have time to time approached the PWD department but no concrete solution was on site. They also alleged that departmental officials were also to blame since lack of sincerity on their part was also a cause of concern. Many doubted that there might be some unholy understanding in between officials and contractors for which the entire Mahur people have become the victim of such situation. MSC इलेक्शन का पहले से हम लोग बहुत प्रेशर देके आया, काउंसिल डिवीजन में भी बहुत बार जाके हम रिक्वेस्ट भी किया, SDO को भी बोला, इंजीनियर को भी बताया ये ब्रिज के बारे में, अगर ब्रिज अगर रेनी सीजन में बारिश को टाइम में अगर वो कर नहीं सका तो ये तो करना चाहिए ना, आसों हजू तक उनका वो है काम है, वो ब्लैक टॉकिंग भी नहीं किया, अगर सुना तो फिर वो 5 करोड़ विड्रॉ बिल लिया है, 5 करोड़, यहाँ 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ, और अब ब्रिज का बेस भी देखिए, फाउंडेशन रिवर बेड से ऊंचा है वो जो फाउंडेशन किया है, तो अभी बारिश थोड़ा आया तो पूरा फाउंडेशन निकल गया उनका, अभी फिर वो सैन से ढक के रखा है, सैन ग्रेवल से, तो ये थोड़ा ही वो RCC ब्रिज का काम का ढंग ऐसे होता है,
ना सारा आसाम में ऐसे ही काम होता है क्या? तो हम लोग तो ऐसे नाम में पीएमजीएसवाई सेंट्रल का काम है बोलते सुना, ये 10 करोड़ सेंक्शन है, मगर वो 5 करोड़ निकल दिया बिना काम करके, तो इनका दायित्व कौन लेगा? वो ब्रिज का भी देखिए, ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होगा, तो हम लोग छोटा मोटा काम का 100% काम नहीं करके हम लोग बिल मिलने को मुश्किल होता है, तो उन लोग काम नहीं करके कैसे 5 करोड़ लेके गया, ये तो अचंभित बात है। इसलिए मेरे ख्याल से ये इंक्वायरी होना चाहिए, ये डिपार्टमेंटल भी इंक्वायरी होना चाहिए, डिपार्टमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए तो वो काम नहीं करके 30% काम नहीं हुआ तो 50% बिल लेके गया, तो इसका भी हम लोग सोचना चाहिए। जगह तो माहूर है ना, ये माहूर DLHS रोड का ऊपर दियोंग रिवर का ऊपर वो ये ब्रिज है, ये PMGSY का है, ये टोटल अमाउंट 10 करोड़ का है, ये आसोंग हाजू तक काम है, इसमें ये ब्रिज भी है। कितना साल से आप लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं? अभी सफर तो ये 2 साल हो गए, और ये ब्रिज बंगाने टाइम में वो PHC का जो पाइप भी सब बंगा दिया, 3 महीना बिना पानी से वो चलाना पड़ा मेडिकल, इसलिए हम लोग लोकल लड़का निकल के ये मरम्मत किया बिना ऑर्डर से, तो ऐसा हो रहा है माहौल पे अभी, इसलिए ज्यादा कुछ गार्जनलेस जैसा हो रहा है। हाँ, गार्जनलेस जैसा हो रहा है, और मैं चीफ इंजीनियर को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका थोड़ा इंक्वायरी कीजिए, तो इसमें डिपार्टमेंटल जो जो इन्वॉल्व है उनका भी तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो ये बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, DC ऑफिस का आगे हम लोग सब पब्लिक को लेके धरना करने वाला है।